हेलो गाइस, दिस कुशाक। वेलकम टू कुशाक सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज की वीडियो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। सो ये पार्ट 2 है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे आई बटन पर क्लिक करिए और वहां से जाकर देख लीजिए। सो इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं। सो अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज मेरे आई बटन पर क्लिक करिए और वहां से जाकर देखिए। अगर आप पार्ट 1 देखेंगे जब भी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने थ्योरम के बारे में डिस्कस करा था और इंट्रोडक्शन जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में है वो सब हमने डिस्कस करा था। सो इसलिए आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। सो चलिए अब ये पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं हम, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्या है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम फर्स्ट। सो देखिए 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। इन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो में है। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो इन द रेशियो, वो क्या है, रेशियो में है। एक है 3:5, 5:9, 9:13। फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं इनके हमें क्या फाइंड करने हैं, इनके हमें फाइंड करने हैं एंगल्स। सो पहले इन्हें लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3:5:9:13। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए, पहले इसे सीधा लिख लेते हैं। यहाँ से ये थोड़ी लाइन टेढ़ी चली गई थी तो इसलिए। अब ये हो गया, इसमें हमें एंगल फाइंड करने हैं। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 3x+5x+9x+13x ये करना पड़ेगा हमें। ओके ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब इसका क्या आंसर है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों, 180 डिग्री क्यों नहीं आया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं वो 360 डिग्री के एंगल्स के होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसके बाद हम इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3+5 8, 8+9 17, 17+13 13। तो क्या आ गया, 30x। कितना, 30x। ये आ गया 30x। 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री तो क्या हो जाएगा, अब इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए पहले देखते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन 30। ये हो जाएगा ठीक है 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 30। ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, जब हम इसे कट करेंगे सो यहाँ 30 बन जाए 30। ओके, और 30 बन जाए 36। इधर चला गया तो 60 हो गया, तो 32 जा 60। ये क्या हो गया, ये डिग्री आ गया। तो ये क्या आया, 12 डिग्री। क्या आ गया, 12 डिग्री आ गया। ठीक है 12 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इज इक्वल्स टू करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 12 डिग्री। 3 मल्टीप्लाई 12 डिग्री करेंगे हम। और यहाँ पे करेंगे 5 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5x। यहाँ पे पहले 3x लिखना पड़ेगा ना, हाँ 3x 5x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 9x इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 12 डिग्री। ओके, यहाँ पे हम करेंगे 13x इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 12 डिग्री। ये हो गया। अब इज इक्वल्स टू यहाँ पे इज इक्वल्स टू की साइन आ गए। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 12 तो क्या आएगा, 12 3 जा कर देते हैं, इससे अच्छा तो आसान रहेगा। 12 3 जा कितने होते हैं बताइए, 12 3 जा कितने होते हैं, 36। कितने होते हैं, 36। तो यहाँ पे आ गया 36 डिग्री। और 12 5 जा कितने होते हैं, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आ गया यहाँ पे। अब यहाँ 12 9 जा कितने होते हैं, 12 9 जा 108। तो यहाँ आ गया 108 डिग्री। अब 13 12 12 13, चलिए देखते हैं, हाँ तो ये हो गया 15 15, यानी कि 156 डिग्री। ये आ गया। सो इसके एंगल ही तो पता करने थे, इसका एंगल कितना है, 3 3 का
रेशियो 3 का 36 डिग्री, रेशियो 5 का 60 डिग्री और रेशियो 9 का 180 डिग्री और रेशियो 13 का कितना है 156 डिग्री। ओके ये हो गया, एंगल पता चल गया हमें। सो ये तो हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड नंबर सेकंड क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, यहां पे आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहां दे रखा है हमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है If the diagonals of a parallelogram, diagonal जो है parallelogram का are equal, वो क्या है equal है, then show that is it is a rectangle, हमें show करना है कि ये rectangle है। अब यहाँ देखिए, so ये देखिए हम यहाँ पे इसे कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमें एक rectangle बनाना पड़ेगा, तो rectangle बना लेते हैं यहाँ पर, ये बन गया एक rectangle, ऐसे करके अभी सही से नहीं बना है, ऐसे करके ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। अब यहाँ से ये ऐसे कर लेते हैं हम, अब इसका नाम भी तो देना पड़ेगा रेक्टेंगल, सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए, लिखते हैं डी, यहाँ सी, यहाँ लिखते हैं सी और यहाँ पे बी, ये हो गया ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पे, ये हो गया ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब ए सी जो है ऐसे करके जो लाइन आ रही है ना कर लेंगे हम, AC is equals to AB, ये हो जाएगा ठीक है, AC is equals to AB ये होगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कर देंगे, ये बना एक एंगल बन रहा है, इससे क्या एंगल बन रहा है, चलिए बना के दिखाता हूँ। यहाँ ट्राइंगल लिखते हैं, ट्राइंगल ABC और क्या बन रहा है एंड, और क्या बन रहा है अभी इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा है क्योंकि सॉल्व करेंगे जब लगेगा इक्वल्स टू का साइन। सो अब देखते हैं फिर ट्राइंगल क्या आएगा, फिर यहाँ डी सी बी ये एंगल बना, इन दोनों से ये एंगल बना, ये दो ट्राइंगल बन गए। अब इसके बाद ये देखिए ये हो गया क्लियर आपको, अब इसके बाद क्या आएगा, इससे कुछ बन रहा है, इससे क्या बन रहा है ए सी, यहाँ बन रहा है ए सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू डी बी, डी बी और यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू DC ये हुआ है। चाहे तो हम ऐसे भी कर लेते हैं AB DB ऐसे भी कर सकते हैं, पर हमने ऐसे करा तरीके से क्योंकि AC और DB ऐसे करके करते हैं ना, या तो फिर ऐसे करना पड़ेगा DC AB ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। अब ये बना, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, अब इसके बाद आप सोचिए क्या आएगा, सो यहाँ पे इनसे यहाँ पे इक्वल्स टू लग जाएगा। अब कैसे लगेगा, ये एंगल था, इसमें एंगल से ही तो हमने ये बनाए थे, जब एंगल्स में से हम ये बना लेते हैं सो क्या बन जाता है इक्वल्स टू साइन आ जाता है। सो अब देखिए ट्राइंगल अभी भी रहेगा क्योंकि अभी हमने सिचुएशन नहीं करी है, सिचुएशन करेंगे जब एंगल्स आएंगे ठीक है। अब ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल क्या है एबीसी, ट्राइंगल एबीसी है इक्वल्स टू ये वाली लाइन लगेगी, क्यों लगेगा हाँ क्यों लगेगा बताइए, क्योंकि अभी ट्राइंगल है इसलिए लगता है, जब ट्राइंगल रहता है तो ये ट्राइंगल यहाँ पे डी सी और डी ये आ गया ठीक है। अब ये हो गया ए बी, अब यहाँ पे सिचुएशन वन डाल देते हैं हम, सिचुएशन वन क्या है यहाँ पे, सिचुएशन वन हो गई यहाँ पे, सिचुएशन वन से क्या आया हमें एंगल ए बी सी एंगल आ गया, सिचुएशन से बताया था ना मैंने सिचुएशन से आ जाएगा, ये हो गया फिर एंगल यहाँ पे आ जाएगा डी सी बी, ये हो गया ठीक है। अब अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, अब सिचुएशन टू से क्या होगा, सिचुएशन टू यहाँ डाल देते हैं, सिचुएशन टू से एंगल ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों सिचुएशन से क्या बना, क्या मिला हमको सिचुएशन वन कॉमा सिचुएशन टू से हमें क्या मिला, सो देख लेते हैं क्या मिला इस सिचुएशन वन और सिचुएशन टू से हमें मिला क्या है। अब यहाँ देखिए क्या मिला है सिचुएशन वन और सिचुएशन टू से, अब ये जो हमारा बना है एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी
इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों हुआ? अब 180 डिग्री तो आया क्योंकि इन्हें प्लस करके आया ना, प्लस करके आया 180 डिग्री। ये कहते हैं 90 डिग्री के ही एंगल थे, ये भी 90 डिग्री का, ये भी यहाँ क्या आया 90 डिग्री। अब यहाँ 90 डिग्री आ चुका है, सो 90 ये एंगल थे, ये क्या था सिर्फ एक एंगल था, सो यहाँ पे एंगल कितने बनना 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। अब ये हो गया 90 डिग्री, जब आया यहाँ पे, जब यहाँ पे 90 डिग्री आ चुका है इन एंगल से, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ ट्राइंगल, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, ये क्या है रेक्टेंगल, देन देन इट इज रेक्टेंगल, क्या है ये रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री आ चुका है। ओके, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट रेक्टेंगल एट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल है, राइट एंगल, देन इट इज ए रोम्बस, इट इज ए रोम्बस, रोम्बस। अब यहाँ पे रोम्बस बतानी है, देन इट इज ए रोम्बस। अब चलिए करते हैं, क्या था यहाँ पे स्क्वायर था, क्या था चलिए देख लेते हैं। पहले स्क्वायर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ था या रेक्टेंगल, सो यहाँ देखिए यहाँ क्या था, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये था डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये था डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ क्या बताना है, रोम्बस, देन इट इज रोम्बस, क्या बनाएंगे हम, रोम्बस बनाएंगे ना, रोम्बस बना लेते हैं। चलिए रोम्बस कैसा होता है ऐसा, अगर किसी को पता नहीं है रोम्बस कैसा होता है तो मेरे पार्ट फर्स्ट में से जाके देख लीजिए, किसी को पता नहीं होगा तो रोम्बस कैसे होता है, सो ये होता है ऐसे रोम्बस होता है। चलिए अभी भी ठीक नहीं बना है, वैसे तो ये इस टाइप का ही होता है वैसे रोम्बस, ये ऐसे होता है, ये रोम्बस होता है। अब इधर से भी ऐसे कर देते हैं, ये रोम्बस है ना, ये रोम्बस हो गया। अब इसमें ऐसे करके ये यहाँ पे जीरो लिखा जाएगा, क्योंकि लिखा जाएगा जीरो, यहाँ पे क्या बताना है, रोम्बस बताना है, सो यहाँ जीरो लिखते हैं, यहाँ ए बी डी सी, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, जीरो बताना है, तो यहाँ ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओ बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओ डी जो होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल एक बनेगा, ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये बनेगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ये क्या बनेगा, ये क्यों आया, क्योंकि ये बाय बाई किसके द्वारा आया, बाय सी पी सी टी के द्वारा आया, ये सी पी सी टी से आया ये, ठीक है। अब बाय सी पी सी टी, अब ये क्या थी, सिचुएशन फर्स्ट, क्या है ये, सिचुएशन फर्स्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं सिमिलरली, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या आएगा हमारा, सिमिलरली हम जान सकते हैं कि सिमिलरली क्या आएगा हमारा, ए बी जो है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी आएगा सिमिलरली हमारा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, और क्या आएगा, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। अब यहाँ पे क्या है, ये सिचुएशन टू, सिचुएशन थ्री, सिचुएशन फोर, ये हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया, सो इसी के साथ साथ हमारा क्या आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, और बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, किसके द्वारा आएगा ये, अब किससे आएगा ये, फ्रॉम किससे आएगा, फ्रॉम वन सिचुएशन, वन सिचुएशन टू सिचुएशन थ्री सिचुएशन फोर, सिचुएशन फोर इनसे आएगा, ठीक है। ये आ गया, अब इसमें ये पता चल गया रोम्बस हमें, देन इट इज रोम्बस, ये हो गया रोम्बस, ओके ये हो गया रोम्बस। अब ये क्लियर हुआ आपका। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर।
क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दे रखा है, यहाँ देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दे रखा है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में यहाँ दे रखा है हमें, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब यहाँ राइट एंगल फिर से आ गया है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर दे रखा है ना, तो स्क्वायर बनाना है यहाँ पे हमें, क्या बनाना है स्क्वायर, स्क्वायर बना लेते हैं, ये हो गया। चलिए यहाँ बनाते हैं, ये बनाते हैं हम स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर बन गया हमारा, अभी बना स्क्वायर, यहाँ पे हमें ये करना, यहाँ पे ये करा, यहाँ बना ए बी, यहाँ बना डी, यहाँ बना सी, ये यहाँ ओ आया, ओ क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बनाना है, इक्वल और बाइसेक्ट बना रहे हैं ईच अदर वाले। सो ये अब इक्वल क्या क्या है और बाइसेक्ट क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री वाला एंगल बना लेते हैं, ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि इक्वल क्या क्या है, ए बी इक्वल्स टू है, इक्वल है बी सी के, ओके, और चाहे तो ये से भी कर सकते हैं, ए डी इक्वल है बी सी के, ठीक है ये है। अब ये इक्वल है, इक्वल तो आ गए स्क्वायर वाले डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर में, इक्वल्स तो आ गए, इक्वल्स इक्वल्स आ गए। अब हमें क्या बताना है, बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स बताने हैं हमें यहाँ पे, सो बाइसेक्ट बताने हैं, तो ये क्या हो गया, जब ये इक्वल है तो ये एक दूसरे के बाइसेक्ट्स भी है। अब ए बी जो है वो बाइसेक्ट है किसका, डी सी का, और ए डी जो है वो बाइसेक्ट है, सॉरी ए सी, ए सी बाइसेक्ट है बी डी का, ए सी बाइसेक्ट है बी डी का, ऐसे है, ओके ये हो गया। अब ये क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म भी हो जाएगी और ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी खत्म हो जाएगा, वो भी किसके जैसा है, स्क्वायर वाला ही है, इसलिए मैंने पहले स्क्वायर बना लिया है। अब देखते हैं क्या है, वही पहले वाला क्वेश्चन जैसा दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है। सो देखिए सो डेट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, अब डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आया है, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर आया है एट राइट एंगल, देन इट इज अ स्क्वायर, देन इट इज अ स्क्वायर आया, जैसे पैरेललोग्राम था उसमें पैरेललोग्राम आता था ना थियोरियम में, पर कहीं आ जाता था अपोजिट साइड, ये बताना है, पैरेललोग्राम आता था, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बतानी है, सो क्या होता था उसके बाद क्वेश्चन में क्या आ जाता था, क्वाड्रिलेटरल्स आ जाता था, और उसके अपोजिट साइड बतानी थी है ना, और देन इट इज पैरेललोग्राम ये आ जाता था। अब आप ऐसे उसी थ्योरम जैसे ही सेम क्वेश्चन आया ये वाला है ना, अगर किसी को पता नहीं है थ्योरम तो जाके पार्ट 1 में से देख ली, स्क्वायर बनाया मैंने जैसे ऐसा बनाया, क्योंकि क्या बनेगा सेम बनेगा, ठीक है ए बी डी सी ये हो गया। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स है, सो हम यहाँ 90 डिग्री कर लेते हैं, यहाँ पे हम 90 डिग्री कर लेते हैं, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक ऐसा एंगल, ठीक है 90 डिग्री, ये 360 के हो गए, 360 हो गया, यहाँ पे वहाँ पे नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख दिया 360, फिर उसके जैसे ही सेम क्या आएगा ए बी इज इक्वल्स टू डी सी आएगा, अब इसी जैसे क्या आएगा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी ये आ जाएगा। अब बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स भी वही होंगे, अब क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर देन इट इज स्क्वायर, स्क्वायर ही आएगा ये, ओके। इसी के साथ साथ ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।